गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे थे। जो भी चैलेंजेस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी में आती है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में जाना, फिर उसके बाद में कम्युनलिज्म के बारे में जाना, फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म। ओके, फ्रॉम द वर्ड आप समझ सकते हो टेररिज्म का मतलब क्या होता है, आतंकवाद। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, और जितनी भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं, कहीं ना कहीं आतंकवादी हमलों से या टेररिज्म से अफेक्टेड हैं। ओके, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। ओके, सो इसमें जो टेररिज्म होते हैं 2 to 3 टाइप्स के। सबसे पहला जो टेररिज्म होता है वो रिलीजियस टेररिज्म होता है। टेररिस्ट बेसिकली ऐसे होते हैं जो कि ऐसे पीपल्स को ढूंढते हैं जो कि यू नो जिनके साथ कुछ बुरा हुआ हो, फिर उनको प्रोवोक करते हैं कि आपको जो ह्यूमन काइंड है, जो इंसान मतलब जितने भी इंसान हैं, उनको ज़्यादा क्षति पहुँचाई जाए, उनको मार दिया जाए, कुछ भी किया जाए। भाई आप जानते हो, अगर इस खबर पढ़ते हो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है या कहीं पर फायरिंग कर दी गई है, या किसी बहुत से अपने अगर सुना हो 9/11 का वो हादसा जहाँ पर उन्होंने पेंटागन जो है अमेरिका में वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया था। फिर इसके अलावा इंडिया में जो हमले हुए लाइक 26/11, सो ये जो है हमने टेररिज्म के वो देखे हैं, बहुत सारे फैक्ट देखे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो या फिर 26/11 इंडिया में हो। सो काफ़ी हज़ारों पीपल जो हैं उसमें मरते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस होता है। तो इसमें सबसे पहला जो टेररिज्म आता है वो आता है रिलीजियस टेररिज्म। ये जो टेररिज्म था ऑन द बेसिस ऑफ द धर्म, रिलीजियस की बेसिस पर होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के पीपल्स को, मतलब जो टेररिज्म जो ग्रुप होते हैं ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा दर्शाया जाता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको इसको अन्याय के साथ लड़ना है, आप यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं तो इसलिए आपको दबा रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट इनको इनके अगेंस्ट आपको लड़कर ही अपना हक हासिल करना, इनको मार कर ही अपना हक हासिल करना। तो ऐसा टेररिज्म हम हमारे अगर कंट्री की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ओके, वहाँ पे आए दिन आप सुनते ही हो वहाँ पे कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है। रीज़न है कि वहाँ पे हमारे जो राइवल जो कंट्री है लाइक पाकिस्तान है, तो वहाँ से जो है बहुत सारे टेररिस्ट जो होते हैं वो इंडिया में घुसने के एंटर करते हैं, और हमारे इंडियन आर्मी एज वेल एज जो हमारे जो बड़ी सिटीज़ हैं उनको टारगेट करते हैं हार्म पहुंचाने के लिए। और ये सारे टेररिस्ट जो होते हैं रिलीजियस के बेसिस पर, उनके नाम पर ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ही उनको रिक्रूट भी करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं कि हमारे साथ दे और इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार सके। ओके, सो यहाँ पर और मोस्ट ऑफ जो हमारे जो नेबरिंग नेशन लाइक पाकिस्तान 3 वॉर लड़ चुके हैं, और बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटीज शिफ्ट के टेररिज्म की वजह से। एक जो अनदर टाइप ऑफ जो टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो नक्सलाइट एक्टिविटीज होती हैं। इनको आपने कभी नक्सल वादी भी सुना होगा हिंदी में, और इंग्लिश में नक्सलाइट कहते हैं। ओके, ये एक्टिविटी जो है सबसे विलेजेस में स्टार्ट होती हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था, वेस्ट बंगाल के जो छोटे विलेजेस थे वहाँ से नक्सलिज्म जो थे ये इमर्ज हुए थे। फिर उसके बाद में इन्होंने आंध्र प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, इन एरियाज में इन्होंने सबसे ज़्यादा फैलाया। ये बेसिकली एंटी सोशल होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मानते नहीं हैं। इनका ये मानना है कि हमारे हक है वो हमसे छीन लिए गए हैं। मोस्ट ऑफ द जो ट्राइबल पीपल्स हैं जो जंगल में रहते हैं, उनका ये कहना रहता है कि हमसे हमारे धरती लैंड छीन लिया गया है, गवर्नमेंट जो है वो हमारे अगेंस्ट से हमें मार देगी। ऐसे नक्सल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में विद इन द कंट्री वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे आर्मी पर्सनल हो जहाँ पे कोई सा भी टूरिस्ट एरियाज में भी नहीं जा पा, टूरिस्ट जो है वो भी ट्रैवल करते तो उनको भी हानि पहुंचाते हैं। सो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मेजर टाइप ऑफ टेररिज्म जो है इंडिया में प्रेजेंट है। फिर एक होता है कम्युनल टेररिज्म। ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट एरिया में दिखाया जाता है, स्पेशली ट्राइबल पीपल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी। जो ट्राइबल कम्युनिटी नॉन ट्राइबल कम्युनिटी आपस में लड़ते हैं, एज अ रिजल्ट उससे भी हानि होती है। ओके, इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है। अब ये 3 टाइप के जो टेररिज्म है हमारे देश में देखने को मिलते हैं। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या है?
कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है। आप जम्मू कश्मीर में आप ऐसे घूमने फिरने नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा कि कभी आतंकवादी कोई हमला नहीं हो जाए। ओके, देश में कहीं ना कहीं एक थ्रेट रहता ही है कि कोई टेररिस्ट आके कोई बड़ी सिटी को टारगेट ना कर दे, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना कर दे। ओके, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैम्पर्ड होती है क्योंकि ज़्यादा जो रिवेन्यू खर्च होता है वो आर्मीज पर खर्च होता है, पुलिस पर, पुलिस पर्सनल पर खर्च होता है, ताकि इन एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं एक लार्ज पार्ट ऑफ हमारी इकोनॉमी जो है वो देश को सुरक्षित करने के लिए इन आतंकवादी से उसमें खर्च हो रही है। फिर उसके बाद में लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है। इनोसेंट पीपल जो होते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो बेचारे मारे जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो डैमेज होती है वो अलग। फिर उसके बाद में कभी कभी टेररिज्म इस सिचुएशन तक ले आते हैं कि दो देशों के बीच आपस में वॉर हो जाए। ओके, और कुछ कंट्री जो हैं आजकल ऐसे डिप्लोमेटिक टेररिज्म हम उसको बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं वो लोग कि आपस में जो है दो कंट्रीज आपस में लड़े। ओके, अब जो फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे कि इंडिया में टेररिज्म इवॉल्व हुआ, उसमें सबसे पहला था कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में जब इंडिपेंडेंस के दौरान जब पार्टीशन किया था फूट डाली थी बेसिकली, उस वजह से जो है रिलीजियस टेररिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा फैला। ओके, कंट्री जो सबसे ज़्यादा थ्रेट में है वो रिलीजियस टेररिज्म की वजह से। देन मॉडर्न मीन्स ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ की जाती है टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ओके, लाइक टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, हर चीज़ें यूज़ की जा रही है टेररिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए। फिर उसके बाद में आपस में हम दो कंट्री जो है हमें नेबरिंग कंट्री स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान आपस में बहुत ज़्यादा नफरत है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेररिस्ट जो होते हैं उनको और वो मिलता है। स्पेशली कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं लाइक अनदर कंट्री जो है वो वहाँ के टेररिस्ट को रिक्रूट करती हैं, उनको उनका साथ देती हैं और उनको वेपन्स सब कुछ अवेलेबिलिटी दी जाती है ताकि वो लोग बॉर्डर को क्रॉस करें और इंडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा हार्म पहुँचा सकें। ओके, सो कुछ बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है जस्ट बिकॉज की अदर कंट्री की इकोनॉमी को ख़राब किया जा सके, वहाँ के देश के उनके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को लॉस किया जाए और वहाँ की गवर्नमेंट को ब्रेक किया जा सके। देन जो नेक्स्ट थ्रेट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में, वो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है ड्रग्स एडिक्शन, है ना। आजकल बहुत सारे जो यंग जनरेशन है स्पेशली वो ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रही है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जिसमें केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ जो लाइक अफीम या चरस, गांजा, हेरोइन केवल यही ड्रग्स हैं, इनफैक्ट जो शराब होती लिक्विड होता है वो भी एक टाइप का ड्रग एडिक्शन है। सिगरेट्स हो गया, टबैको हो गया, भांग, गांजा, दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ ड्रग, और कहीं ना कहीं ये फिजिकली और मेंटली दोनों हार्म पहुँचाता है एक ह्यूमन को। अगर एक लार्ज सेक्शन अगर इसके गिरफ्त में आ जाता है, जैसे इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसका एक लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन उसके गिरफ्त में आ जाता है, तो नेशन कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। रीज़न यही है कि मोस्ट ऑफ द जो यंग जनरेशन जो कैरेक्टर हैं वो देश के प्रति कुछ काम नहीं कर पाएंगे, डेवलप एक तरीके से वो हाथ नहीं बटा पाएंगे देश की तरक्की के लिए। और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के देखें तो हम वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता, उसका ब्रेन क्या था ना इनएक्टिव हो जाता है, मतलब ज़्यादा उसको ज़्यादा वो सोशलाइज्ड नहीं होता, वो अपने अपने में रहता है, नशे पत्ते में रहता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है उसका। और उसका रीज़न भी यही है कि आजकल जो ड्रग जो हैं वो स्मगल किए जाते हैं, इलीगल तौर तरीके से बेचे जाते हैं। ओके, तो होता क्या है, जो इलीगल तरीके से बेचा जाता है तो हाई कॉस्ट हो जाती है, बट स्टिल जो एडिक्टेड रहते हैं वो उसको खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। ओके, मेंटल एफिशिएंसी एज वेल एज, सो वी वर डिस्कसिंग इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ओके, ड्रग्स एक तो हेल्थ के लिए कंसर्न इश्यू बनता ही है क्योंकि आपकी हेल्थ इफेक्ट पड़ती है उससे, कहीं आपके आपकी जो बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देती है, इनएक्टिवनेस आ जाती है, लेजीनेस आ जाता है, और आगे जाके इन फ्यूचर
आप मतलब जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो ड्रग एडिक्टेड होता है उसको सेवरल डिजीजेस हो सकती हैं। फिजिकल मेंटल एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, पर्सन जो है सोचने समझने के काबिल नहीं रहता है, ना ज़्यादा केपेबल नहीं रहता है काम करने के लिए। फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब होती जाती है बिकॉज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो लोग ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ों में ही इन्वेस्ट करते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ इनकम जो होती है वो वेस्ट बिकॉज इट इज़ पार्ट, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ मनी है अगर समवन हो इस परचेसिंग ड्रग और अपने आप बॉडी को ख़राब कर रहे हैं। ओके, कोई फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है बॉडी को, तो कहीं ना कहीं आप अपना फैमिली नीड्स को इम्पोर्टेंस ना देते हुए ड्रग्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, पैसा जो है वहाँ वेस्ट हो जा रहा है। इससे होता क्या है कि अगर जो डोमेस्टिक जो घर भर में झगड़ा चलते रहते हैं, अगर कोई शादीशुदा पर्सन है उसके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, उनका जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का वो उसका एक तो जो बचपन में जो माहौल होता है वो ख़राब हो जाता है और आगे जाके वो डेवलपमेंट जिसमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोशल स्टेटस ख़राब होता है, एक ड्रग एडिक्ट पर्सन को हम बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, उसकी इज्जत ज़्यादा नहीं करते हैं। फिर कंजप्शन ज़्यादा करने की वजह से लड़ाई झगड़े, कुछ लोग ड्रग्स ना मिल पाने की वजह से नहीं खरीदते जाने पर उनके पैसे नहीं होते हैं तो चोरी लूट डकैती ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है और एज अ रिज़ल्ट उनका सोशल स्टेटस भी और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर इसके साथ साथ जो ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं स्मगलिंग की हो रही ड्रग्स की रीज़न ये है, कहीं ना कहीं कंजप्शन उसका ज़्यादा बढ़ रहा है, इंसान उसको खरीद रहे हैं इसलिए उसका स्मगलिंग हो रही है। सो जिसके से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू खर्च करना पड़ता है इन स्मगलर्स को पकड़ने के लिए। ओके, कहीं ना कहीं जो ड्रग कंट्रोल ट्रैफिकिंग ड्रग को कंट्रोल करना हो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिवेन्यू खर्च करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक बहुत ज़्यादा पोर्शन इन ड्रग एडिक्ट्स को सुधारने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और इन ड्रग स्मगलर्स को रोकने में खर्च हो जाता है। अब ड्रग एडिक्शन के कॉजेस क्या हैं, क्यों ड्रग एडिक्शन के मतलब क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, जैसे एक बार किसी को ड्रग का डोज दिया जाता है तो वो क्या होता है कि उसके बॉडी है वो इंटॉक्सिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है, फिर पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे बार बार ड्रग्स लेना पड़ेगा अगर मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है। फिजिकल फाइनेंशियल कंडीशन कभी कभी किसी इंसान की ख़राब हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है तो भी वो ड्रग की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मैं तभी जी पाऊँगा जब मुझे अगर ड्रग कंज्यूम कर पाऊँगा, अगर इन केस अगर मैंने किसी दिन अगर ड्रग नहीं लिया तो उस दिन मैं प्रॉपर काम नहीं कर पाऊँगा, काम पर नहीं जा पाऊँगा, जो भी इनका वर्क होता है वो मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना। ये सारे कॉजेज हैं, है ना। कि और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ड्रग्स इज लाइक शराब की बात कर लेते हैं, सिगरेट की, तो ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। कुछ लोगों का ऐसा मतलब वो रहता है माइंड में, ऐसा रहता है अगर हम ड्रग को अगर हम कंज्यूम कोई सा भी ड्रग कंज्यूम करते हैं हमारे मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो हमारा कम हो जाएगा। ओके, कुछ दोस्त खराब रहते हैं जो कि लोगों को ज़्यादा उकसाते हैं कि नहीं ड्रग्स लीजिए आपके आपके माइंड स्टेबल रहेगा, आपका मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आजकल बहुत सी जगह जो है अगर हम अल्कोहल की बात करें तो कहीं ना कहीं फैशन बन गया, स्टेटस दिखाना हो गया कि पार्टीज हम करते हैं तो वहाँ पर शराब पीने या मीन्स एक टाइप का कूल जो पर्सनालिटी रहेगी। सो ये सारी चीज़ें हैं, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट पड़ा है हमारे इंडियन सोसाइटी में। इसके अलावा बार जो है रेस्टोरेंट्स बार्स होते हैं वहाँ पर जाने से भी जो है पीपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है हमारी एंटरटेनमेंट जो मूवीज़ होती है उसमें कहीं ना कहीं इनका कंजप्शन दिखाया जाता है और जो स्पेशली जो यूथ होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, बिकॉज जो उसमें हीरो होता है एक्टर्स होते हैं वो उसको कंज्यूम करते, कहीं ना कहीं बहुत से यूथ के वो रोल मॉडल्स भी होते हैं। एज अ रिज़ल्ट जब वो अपने एक्टर्स को ऐसा देखते हैं तो वो उनको भी ऐसा फील होता है कि दैट ही इज़ ऑल्सो डूइंग, तो वो उससे वो कूल बन रहे तो हम भी ऐसा करें। सो कहीं ना कहीं जो है जो यूथ जो है वो मूवीज़ और वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा अट्रैक्ट होके ड्रग एडिक्टेड हो रहा है। अब ड्रग कंजप्शन पर चेक कैसे किया जाए कि मीन्स ये ड्रग कंजप्शन है, तो कहना कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनसे उनको चीज़ों को रोकना चाहिए कि जो ड्रग कंजप्शन हो रहा है कहाँ से आ रहा है कैसे स्मगल हो रहा है ये सब चीज़ें इसमें बैलेंस में लेके आनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से ड्रग को बैन कर सकते, रीज़न ये कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मेडिसिन होते हैं वो जो है इन ड्रग्स की हेल्प से ही बनती है। सो
पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से हम बैन नहीं कर सकते, उनकी खेती बाड़ी पर रोक नहीं लगा सकते। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस बनाया जाए, जो ड्रग्स स्मगल किया जाता है वो कैसे हम कम करें। इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर बना सकती है, ताकि जो है आने वाले दिनों में जो है इंडिया में जो है ड्रग एडिक्टेड कम हो, और कहीं ना कहीं जहाँ ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड कम होंगे तो वो कंट्री अपने आप प्रॉस्परस बन जाएगी। कहीं ना कहीं सिटीजन्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर हमें एक हेल्दी रहना है तो हमें ड्रग्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा कंट्री हेल्थी रहेगी, और हमारे आने वाले जनरेशन का जो फ्यूचर होगा वो भी सिक्योर रहेगा, और आने वाली जनरेशन भी जो होगी वो ड्रग एडिक्टेड नहीं होगी। सो ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, नॉन एनजीओस काम कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, जो कि इन ड्रग एडिक्टेड पर्सन्स की हेल्प भी करते हैं, और ऐसे कैंपेन भी चला है गवर्नमेंट ने जहाँ पे लोगों को जागरूकता फैलाई जाती है कि ड्रग जो है काफ़ी बुरी चीज़ है, और कहीं ज़्यादा लोगों के परिवार जो है उससे तबाह भी हुए। गवर्नमेंट जो है द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे क्या होता है एक साइजेबल रिवेन्यू मिलता है जिसपे वो ड्यूटी लगाते हैं, हालांकि टोटल प्रोहिबिशन पर वो रोक नहीं लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम कंजप्शन देखें, हम शराब का अल्कोहल का बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती है कि कितना आपके पास अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी को लाइसेंस मिलता है तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है कि अब इससे ज़्यादा अमाउंट जो है शराब अपने गोडाउंस में अपने शॉप्स में नहीं रखेंगे, बट लेकिन उस पर कोई चेक नहीं किया था, टोटल कोई ज़्यादा ऐसा प्रोहिबिशन नहीं लगा है। कुछ स्टेट्स आजकल अपना रहे हैं पॉलिसीज लाइक टोटल बैन ऑन अल्कोहल, बट लेकिन अभी टोटली सारे स्टेट्स ने पॉलिसी नहीं अपनाई। इसके साथ साथ कोई इफेक्टिव मेजर्स गवर्नमेंट हालांकि ले रही है, बट लेकिन कोई इफेक्टिव मेजर्स प्रॉपरली नहीं ले रही है, जैसे गवर्नमेंट का ऐसा रोल है कि जो सिगरेट्स होते हैं, टबैको होते हैं, अल्कोहल होते हैं, तो जो उनके जो पैकेट्स होते हैं या बॉटल्स होते हैं उस पर लिख दिया जाता है कि दैट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बट लेकिन इन वार्निंग से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई जो एडिक्टेड है चाहे उस वार्निंग को पढ़ने के बाद भी उसको कंज्यूम कर रहा है, तो जो ये पॉलिसी है कि अगर हम अगर ये दिखाना स्टार्ट कर देंगे दैट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, अगर चाहे वो पैकेट में हो चाहे बॉटल में लिखा हो अल्कोहल की, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉट इवन द मूवीज़, अगर मूवीज़ में अगर कोई एक्टर किसी भी ट्रक का ड्रग कंज्यूम कर रहा है चाहे वो अल्कोहल हो सिगरेट हो, अगर उसमें सिर्फ केवल इतना लिख देने के लिए स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ और ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, इससे ये नहीं होगा कि जो यूथ है उसको पढ़ेगा और उसको फॉलो करेगा, केवल उसको पढ़कर फॉलो करना या फिर जो एक तरीके का मेजर लिया है गवर्नमेंट ने कि हम हर सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें हम वार्निंग स्टैचुअरी वार्निंग दे देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट से। इनके अलावा मीडिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो कि अल्कोहल या फिर टबैको की एडवर्टीजमेंट जो है वो डिस्प्ले करते हैं। बहुत से ऐसे पीपल हैं जिनको शायद बारे में पता भी ना हो, पर लेकिन अब सिंस वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं इस टाइप के तो उनको पता चल जाता है, हालांकि वो एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट नहीं होते हैं, बट लेकिन इट इज़ वो उनसे क्लियर हो जाता है कि पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट जो है वो आइदर अल्कोहल का है या फिर टबैको का है। सो कहीं ना कहीं जो है मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मीडिया को इस टाइप के जो लिक्विड एड्स हैं और जो टबैको के एड्स हैं उनको ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, पूरी तरीके से डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, एज वेल एज उनको इनके जो मीडिया जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो जो हमारे यूथ हैं उनको अवेयर भी करना चाहिए। ओके, नाउ जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे इम्पीडेंस इन द वे ऑफ सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब इम्पीडेंस यानी कि बाधाएं यानी हर्डल्स, कौन कौन सी हर्डल्स हैं, है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारी हमारी बाधाएं थी, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, गरीबी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो, चाहे वो कास्ट हो बेसिस पे हो, रिलीजियस बेसिस पे हो, ये सारी ये जो है हर्डल्स है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। इलिटरेसी, हमने इलिटरेसी के बारे में नहीं पढ़ा है, सोशल इवेल्स के बारे में नहीं पढ़ा, और रोल ऑफ मीडिया के बारे में नहीं जाना, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, और क्या मेजर्स हम कर सकते हैं कि जो ये रुकावटें हैं इनको हम दूर करें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।